नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हर कोई अपने बालों से बहुत प्यार करता है और वे हमेशा अपने बालों की सेहत की कामना करते हैं। चाहे कोई कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, कोई कभी नहीं चाहेगा कि उनके बाल झड़ें। लेकिन आज हम आपको 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिनके कारण आप जल्द ही गंजे हो सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं यह 5 गलतियां जो आपको गंजा कर सकती हैं। 5वीं गलती, दोस्तों जैसा कि टीवी विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि आपको हर दिन अपने बालों को शैम्पू करना चाहिए, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप हर रोज़ अपने बालों को शैम्पू करना शुरू कर देंगे तो आपके बाल बहुत टूटने लगेंगे और झड़ने लगेंगे और 2 से 3 साल में आप पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे, क्योंकि शैम्पू में कई प्रकार के रसायन होते हैं जो आपके बालों को साफ करने के साथ साथ आपके बालों को भी साफ करते हैं। इसलिए आपको सप्ताह में 2 से 3 बार शैम्पू करना चाहिए। 4वीं गलती, ज़्यादातर लोग दूसरी गलती करते हैं जो शैम्पू करने के बाद कंडीशनर नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शैम्पू में कई हानिकारक रसायन होते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको कंडीशनर करने की आवश्यकता होती है। अगर आप कंडीशनर करते हैं तो आपके बाल मुलायम और घने हो जाते हैं। 3वीं गलती, दोस्तों इन दिनों केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का चलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोग अपने बालों को खड़ा करने के लिए हेयर जेल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रकार के जेल में कई हानिकारक रसायन होते हैं। यह लंबे समय में आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है और आपको गंजा बना सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के जेल का उपयोग से बचना चाहिए। 2वीं गलती, दोस्तों यदि आप लंबे समय तक टोपी पहने रहते हैं तो यह आपके बालों के लिए सही नहीं है। इससे बालों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे अपने बाल झड़ने की समस्या होती है, इसलिए टोपी को भी कम से कम पहना जाना चाहिए। 1वीं गलती, 5वीं गलती हर कोई करता है और वह यह है कि गीले बालों में कंघी करना। आपको बता दें कि जब आपके बाल बहुत अधिक गीले होते हैं तो बालों को कंघी करते समय आप बाल को तोड़ देते हैं, इसलिए जब आप अपने बालों को अच्छी तरह से सुखा लें तभी उन्हें कंघी करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।